फ्रेंड्स, आज मैं आपको उत्तराखंड के जलप्रपातों के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाकर हमारे अगले नोटिफिकेशंस को प्राप्त करें। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख जलप्रपातों में 8 जलप्रपात आते हैं। ये 8 जलप्रपात यहाँ के महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, जो कि उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में से सिर्फ 4 जिलों में ही स्थित है। इन 4 जिलों में ही ये 8 जलप्रपात स्थित है। अब ये 4 जिले कौन कौन से हैं, इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये 4 जिले हैं। पहले नंबर पर आता है देहरादून, इसके बाद आता है टिहरी गढ़वाल ज़िला, तीसरे नंबर पर इसमें आता है चमोली ज़िला, और चौथे और आखिरी नंबर पर आता है पिथौरागढ़ ज़िला। इन 4 ज़िलों में ये 8 जलप्रपात स्थित हैं। अब इन ज़िलों में आप देख सकते हैं देहरादून, टिहरी गढ़वाल और चमोली गढ़वाल में स्थित है, जबकि पिथौरागढ़ कुमाऊँ जनपद में आता है। अब बात करते हैं जलप्रपात की। सबसे पहले आते हैं देहरादून के जलप्रपात। देहरादून के जलप्रपातों में सबसे पहले नंबर पर आता है भट्टा फॉल या भट्टा जलप्रपात। ये इस ज़िले का एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है। इसमें दूसरे नंबर पर आता है हार्डी जलप्रपात, ये भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है। ये दोनों जलप्रपात भट्टा और हार्डी मसूरी के पास स्थित है। फिर देहरादून का ही तीसरे जलप्रपात में आता है सहस्त्रधारा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सहस्त्रधारा चर्म रोग ठीक करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्नान करने से चर्म रोग से मुक्ति प्राप्त होती है। यही सहस्त्रधारा जलप्रपात की विशेषता है। इसके बाद अगला जलप्रपात, वो भी देहरादून में स्थित है, जो कि आता है आपका टाइगर फॉल। ये जलप्रपात भी देहरादून में स्थित है। ये देहरादून में चक्राता रेंज के पास स्थित है ये टाइगर फॉल। इस तरह से हम देख सकते हैं कि देहरादून में भट्टा प्रपात, हार्डी प्रपात, सहस्त्रधारा और टाइगर फॉल, ये 4 जलप्रपात देहरादून जिले में ही स्थित है। इसके बाद आता है टिहरी गढ़वाल के जलप्रपात। इसमें आता है कैम्प्टी फॉल। ये भी राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है। ये एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं चमोली के जलप्रपात की। ये है हमारा चमोली ज़िला। चमोली के जलप्रपात में आता है वसुंधरा जलप्रपात। ये भी राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में आता है पिथौरागढ़ के जलप्रपात में सबसे पहले नंबर पर आता है मुनस्यारी प्रपात। ये जो मुनस्यारी प्रपात है, ये मुनस्यारी झील के पास स्थित है। और पिथौरागढ़ के अगले जलप्रपात में आता है बिरथी जलप्रपात। ये बिरथी जलप्रपात भी मुनस्यारी के पास ही स्थित है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि राज्य के जलप्रपातों में 4 जलप्रपात देहरादून में, 1 टिहरी में,
एक चमोली में और दो जलप्रपात बेथी और मुनस्यारी पिथौरागढ़ में आते हैं। इस तरह के प्रश्न अक्सर लोक सेवा आयोग UKPSC ग्रुप सी इत्यादि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसकी सहायता से इस मैप की सहायता से आप इनको बहुत इजीली याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने व्यूज़ मुझे दें। थैंक यू।